अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये नया मैं सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, वॉक विद ज़ेल्फ़ाई। मैं इस टाइम एच ब्लॉक DHA में हूँ। ये मस्जिद चौक है, इधर से मैं चलता हुआ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि एच ब्लॉक की जो मार्केट है वो कैसी है। ये मेन रोड है, ये इधर से मैं सीधा ही जाऊँगा और मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस के मैं उतर के जो बना रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए मेन रोड पे ना ज़्यादातर बैंक्स ही हैं, कि ये मेन रोड जो है ना इधर एक्सपेंसिव होंगे ना, किराए ज़्यादा होंगे यहाँ पे। ये कोई नया बना लगता है मुझे। बाटा आ गया, बाटा स्वीट्स वाले बैठे हैं। ये तो बड़ी पार्टी है, ये तो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी देखें, ये बैंक सारे खुले हुए हैं, अल्फला बैंक, अभी अल हबीब बैंक, ये आ गया आपका MCB आ गया। तो ये बड़े बड़े जो है ना बैंक्स यहाँ पे हैं मेन रोड पे। जब से ये इन्होंने सिग्नल फ्री किया है ना यहाँ पे, तो ये पार्किंग की जगह बड़ी कम हो गई है। पहले थोड़ी ज़्यादा भरी होती थी, अब इन्होंने छोटी कर दी है, क्योंकि इधर इधर भी दो इन्होंने टू लेन रोड बनानी थी। ये मंडोला आ गया आपका, तो इधर भी उन्होंने टू लेन रोड बनानी थी और इसलिए फिर उनको थोड़ी कम करनी पड़ी। बहरहाल बैंक शैंक आप देख रहे हैं, मैकडोनल्ड आ गया, बट स्वीट आ गया, और कुछ और भी हैं यहाँ पे। अभी आपको मैं अंदर जाके ज़रा दिखाता हूँ कि अंदर कौन कौन सी शॉप हैं। एच ब्लॉक जो है ना अंदर वाली साइड उधर सस्ते हैं, रेट पे भी कम है, और ये एच ब्लॉक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये एच ब्लॉक वाली मेरे ख्याल से। ये हाँ, ये सबसे बड़ी है DHA में, सबसे बड़ी मार्केट जो है ना मेरे ख्याल से यही है। इसके बाद जो एक बड़ी मार्केट आती है वो फिर फेज 6 वाली हो सकती है, फेज 6 वाली, और फिर फ्यूचर में जो फेज 8 मेन बुलेवार्ड वाली होगी वो होगी। तो फ़िलहाल यही है बड़ी मार्केट। ये ऑरेंज आ गया, पता नहीं क्या है ऑरेंज। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी वैसे अजीब लग रही है इधर के, यहाँ पे ना फुटपाथ नहीं है यार। कोई तो इतना मज़े का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, इधर फुटपाथ होने चाहिए थे यार। जिधर ये मैं चल रहा हूँ ना, टायर भी उबड़ खाबड़ हैं, टूटी पकी टायर लगाई हुई हैं, यानी कि इधर काम होने वाला है। अब ये पता नहीं DHA वालों के ज़िम्मे हैं या उनके ज़िम्मे हैं जो प्लाजाज हैं बाहर, पर फुटपाथ होता तो मज़ा आता चलने का। ये देख रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे हर किस्म का ब्रांड आपको मिल जाएगा, सब कुछ खुला हुआ है। खाने पीने का ज़रा ज़्यादा है, और उस तरह कपड़ों के लिहाज से भी ना, कपड़ों के भी ब्रांड ऐसे, कपड़ों के जो अच्छे अच्छे महंगे ब्रांड्स हैं ना वो ज़्यादातर वाई ब्लॉक और जी ब्लॉक में हैं, और जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं ना वो भी वाई ब्लॉक और जी ब्लॉक में हैं। इधर ज़रा ना छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं। अभी पानी है तो इधर से मैं ज़रा बच बच के निकलूँगा। बहुत बड़ी मार्केट है, इसको पहले तो मैं कवर भी नहीं कर सकता, मैं ज़रा इस तरफ निकलता हूँ। अब ध्यान से ज़रा देख लूँ, ये पानी इसलिए खड़ा हुआ है यहाँ पे हर जगह क्योंकि बारिश हुई थी अभी, कल हुई है बारिश मेरे ख्याल, तो इसलिए यहाँ पानी खड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं अभी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, दुकानें कह लो, रेस्टोरेंट्स क्या, दुकानें हैं छोटी छोटी खाबों की। इधर अंदर वाली साइड पे ज़रा रेट मेरे ख्याल से कम है,
और एक और चीज़ आपने अगर नोटिस की हो तो ये प्लाजा जो हैं बहुत पुराने बने हुए हैं 80s 90s के, कुछ बीच में नए भी हैं पर ज़्यादातर ना वो पुराने से हैं। पर मेरे ख्याल से फुटपाथ इन्होंने शायद इसलिए भी नाम बनाए हुए हैं यहाँ पे क्योंकि ये ना चलने के लिए इन्होंने ये जो हॉलवेज हैं उधर वो शायद उधर चलना चाहिए बंदे को। मैं ज़रा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ज़रा मैं अभी बाहर हूँ और किसी हॉलवे के अंदर भी घुस गए हैं, ये हॉलवेज ही जा रहे हैं। मेरे चलने के लिए उन्होंने वही बनाया हुआ कि हॉलवेज में चलो बाहर रोड पे ना चलो क्योंकि सारे प्लाजा आपस में लिंक हैं। तो हॉलवेज के अंदर वो पार्क यानी कि पैदल चलने के लिए वो हॉलवेज उन्होंने बनाए हुए हैं तो ये सीन हो सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर फुटपाथ नहीं बनाए हुए। बहरहाल ये व्यू है एच ब्लॉक का, पूरा मैं कवर नहीं कर सकता, एच ब्लॉक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। बहरहाल मैं मेन ज़रा ऊपर से होके ना आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या जो जो बीच में आएगा वो आपको नज़र आ ही जाएगा। वटा पराठा, इसके रैप्स अच्छे होते हैं वैसे, सादे देखे ना छोटे मोटे ये पान शॉप्स और ये वो, तो लगता है कि यहाँ पे किराए कम होंगे इसलिए तो ये पान वगैरह वाले जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी ये इतनी बड़ी पार्किंग का एरिया है बीच में तो बड़ा ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ ये, और फिर भी पार्किंग इतनी होने के बावजूद यहाँ पर रश होता है शाम के टाइम, अभी तो भाई दिन का टाइम है। ये देखो छोटे मोटे दुकानें, कराची बार भी क्यों आ गया आपका, इधर से मैं वापस निकलता हूँ, मेरा व्यू दिखाऊँ आप लोगों को इर्द गिर्द सराउंड। ये सीधा उधर भी जाता है, वो उधर से हम आ रहे हैं, बड़ी बहुत बड़ी मार्केट है आज ये। जी लगता है ज़ाकिर तिका नया नया खोल रहा है, ये नया प्लाजा बना रहा है, पता लग रहा है ज़ाकिर तिका ने इन्वेस्ट किया है। इन्होंने ये टाइल भी अच्छी लगाई हुई है, बाहर नई है कॉक एंड बुल। ये देखें अभी सामने भी हमारा पार्किंग का एरिया सारा, ये भी आ गया मार्केट है इतनी बड़ी, ये पार्किंग वाला एरिया आ गया आपका, पार्क करें यहाँ पे गाड़ी, यही बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन की हुई है, बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन की हुई है। अब वाली जो DHA की मार्केट्स हैं वो इस तरह की नहीं है, बहुत कम मार्केट्स हैं जो इन्होंने सही तरह डिज़ाइन की हुई हैं, बाकी तो बस एवं ही हैं। व्याइस लेन आ गया, वो पीछे KFC भी है, कराची बेड रॉक। ये तो मेरे ख्याल से अगर मैं पैदल चलूँगी तो मुझे सारा दिन लग जाए कवर करते हुए, 2-3 घंटे तो लग जाएंगे पूरी एक एक गली इसकी कवर करते हुए एच ब्लॉक की। बहुत बड़ी मार्केट है ये, जैसे मैं सीधा ही मेन रोड की तरफ निकल रहा हूँ। ये भी कोई बर्गर है, माई बर्गर, ये आपका शिजान आ गया, ये अब हम मेन रोड की तरफ निकल रहे हैं। यमी 36 आ गया, वही कि लाहौर तो खानों के लिए मशहूर है तो खानों का तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे। ये देखें जी मेन रोड आ गई हमारी, वो सामने मस्जिद चौक आ गया। मैं ना आप लोगों को ज़रा इधर अंदर से भी दिखाता हूँ कि किस तरह का है ये हॉलवेज, किस तरह के हैं
मैं अगर अंदर से नज़र आप लोगों को ना ये भी दिखाऊं, ये हैं जी चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए ये जगह है। ये भी सही है, साफ सुथरे से हैं हॉलवेज। पर DHA में उन्होंने प्लान ही इस तरह किया था कि ये हॉलवेज हों, एक होता ना पूरी एंड तक दुकानें हों, वो सीन DHA में नहीं है। DHA के हर प्लाजा जो है ना उसके नीचे उन्होंने हर फेज़ में, खाली इधर इसी में नहीं, हर फेज़ में वैसे इस तरह होता है कि हॉलवेज होते हैं बने हुए। अभी सुबह का टाइम है तो सफाइयाँ सुथराइयाँ चल रही हैं यहाँ पर। बाहर आकर अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना ये, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊँ, ख़ास तौर पर DHA की मार्केट्स की। अच्छा ये ख़त्म हो, बंद हो गया यहाँ से बाहर हो जाते हैं। यूनिवर्स अच्छा, तो ये थी वीडियो छोटी सी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मैं बताएं, मैं और बनाऊंगा, DHA को कवर करूंगा, DHA गुलबर्ग अच्छी अच्छी मार्केट को कवर करूंगा, छोटी मोटी को करने का फ़ायदा कोई नहीं है। बाहर ओके फिर, खुदा हाफिज़।